वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आवर टॉपिक इज चैप्टर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 5. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर. सो वॉट इज फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट for each of the following, what is the number? 252. This is the first part of this question number 5. Clearly we can see that this is the number which is not a perfect square, because earlier we studied that this 2 is not having any number. कोई भी ऐसा number नहीं है जिसको अपने आप से multiply करके 2 आता हो. So this whole number is also not a perfect square. तो अगर ये perfect square नहीं है तो हमें इसको किस number से multiply करना चाहिए कि ये एक perfect square बन जाए. और जब ये perfect square बन जाए तो हमें उसका square root भी निकालना है. तो first step is we have to do the prime factorization of 252. First prime number 2, 1, 2 to the 4 and 6, again 2, 6 and 3. Now this is divisible by 3, 21, and again this is divisible by 3, 7. Now if we write 252 as a product of prime numbers, then this will become 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 and multiply 7. Now this 2 is in pair, 3 is in pair, but 7 is not having a pair. This shows that this is not a perfect square. तो अगर हमें इसको perfect square बनाना है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक 7 और चाहिए. और अगर हम इस ये हमारी जो राइट हैंड साइड है इसमें अगर एक 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें इस 252 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. दैट मीन्स हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है. सो लेट अस मल्टीप्लाई 252 बाय 7. 7 14 1 35 6 एंड 3 एंड दिस विल बिकम 1764. This is the number which is a perfect square. Why? Because we have multiplied remaining 7. जो हमें यहाँ पर एक 7 चाहिए था उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बन गया. अब अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर बन गया तो इसके परफेक्ट स्क्वेयर होने का हमें पता भी होना चाहिए. तो इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे. स्क्वेयर रूट हम कैसे निकालते? अब इसका मतलब यहाँ पर इधर 7 बढ़ गया तो इधर भी 7 बढ़ गया. 252 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 1 मोर 7 जो हमने इधर मल्टीप्लाई किया है ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया? 1764. राइट. एंड स्क्वायर रूट इसका हमें कहाँ से मिलेगा? इन तीनों पेयर्स में से 1 नंबर लगी. सो दिस इज 1764. This is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7 multiply 7. Now square root of 1764 is 2 multiply 3 multiply 7. हमने इन pairs में से एक एक number लिया. And now you have to simply multiply. This will give you 42. So the number which is perfect square is 1764 and square root is 42. That means हमें 252 को 7 से मल्टीप्लाई करना था तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बना. तो हमारे दो आंसर्स हुए. वन आंसर इज 7 कि किस से नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? दैट इज 42. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड ऑल द अदर पार्ट्स यू कैन डू इन द सेम वे. क्वेश्चन